स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1.4 टैक्सोनॉमिकल एड्स, और इस पे बेस्ड हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। और इसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमें मेनली स्टार्ट करना है फर्स्टली हर्बेरियम से। तो हर्बेरियम से किस टाइप्स के एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। हर्बेरियम is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. ये हो गई हमारी NCERT की लाइन जो हमें याद रखनी है। और जो मैंने पेन से लिखा है वो है also plants are placed evenly pressed by unfolding every plant part between blotting paper using plant presser. एक ये याद रखना है और ये याद रखना है, blotting paper needs to be changed until the plant is dry. तो इस पर भी MCQ बनते हैं जो मैंने लिखा है। और एक चीज़ हमें याद रखनी कि हर्बेरियम सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, जो मैंने इधर स्टार मार्क किया है ये पॉइंट, हर्बेरियम सर्व्स अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। और बोटैनिकल गार्डन में हमें याद रखना है कि आर्बोरेटम जो होता है वो बोटैनिकल गार्डन फॉर बिग ट्रीज एंड श्रब्स होता है। ये फर्स्ट लाइन जो मैंने पेन से लिखी है। और हमें कुछ बोटैनिकल गार्डन्स के नाम याद रखने हैं जो क्यू इंग्लैंड में है। और इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, और नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसलिए हमें याद रखना है। इस पे एमसीक्यूज बनते हैं डायरेक्टली। म्यूज़ियम बायोलॉजिकल, मैं बायोलॉजिकल इसके लिए लिखा हूँ इधर। म्यूज़ियम अभी देखते हैं। देखिए फर्स्टली लाइन में लिखा है बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जो है वो सेटअप किए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, एक ये याद रखनी है। और जो म्यूज़ियम होता है उनके पास कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स होता है, किस लिए, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको प्रिजर्व कैसे रखते हैं, या तो कंटेनर में जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल के उनको प्रिजर्व किया जाता है, या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है ड्राई करके वो स्पेसिमेन रख दिए जाते हैं। और जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको पहले कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनको किल कर दिया जाता है, फिर उनको पिन करके रख दिया जाता है। तो कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, इसे याद रखना है। और जैसे कि ये तो इंसेक्ट्स हो गए, बट लार्जर एनिमल्स का लिए क्या होगा, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स उनको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, आर स्टफ एंड प्रिजर्व। और म्यूज़ियम में हमें अक्सर कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स भी देखने मिल जाता है। तो म्यूज़ियम ऑफन हैव अ कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। तो ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, अभी जूलॉजिकल पार्क पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे, वो होता है हमारा दिल्ली में है सिचुएटेड। और जूलॉजिकल पार्क में क्या है याद रखना, वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो कैप इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टेड मतलब क्या, उनका सब कुछ ध्यान से रखा जाएगा, उनका मेडिकल, उनका रेगुलर चेकअप्स कि वो ठीक है, उनकी हेल्थ है कि नहीं बराबर, इसके लिए वाइल्ड एनिमल्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हम उनको क्यों रखते हैं ऐसे प्लेस में, हमको उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर को सीखने को मिलता है। और ये बच्चों में फेमस है बहुत। अभी की में हमें याद रखना है की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। अभी या तो ये याद रखो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर में होते हैं और वो पेयर को हम बोलते हैं कपलेट, और कीज होते हैं वो इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड होते हैं और वो पैर में होते हैं और उनको कपलेट बोलते हैं, बस ये याद रखना है आपको। अभी ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। जो की होती है उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लीड बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेन से लिखा है मैंने इधर कैटलॉग। कैटलॉग ये होता है कि कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ रजिस्टर कंटेन्स नेम और स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। कैटलॉग में हमें याद रखना है कि वो एक लिस्ट होती है जिसमें पर्टिकुलर एरिया में जो भी
फाइंड होते हैं हमारे एनिमल्स या उनकी स्पीशीज़ जो भी हमें मिलती है, उनको हम उनके सिर्फ नेम्स हम उस पर लिखते हैं कैटलॉग में। और लास्टली हमें याद रखना है कि तीन वर्ड मेन है इसमें, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स। फ्लोरा क्या याद रखना है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट ऑफ गिवन एरिया, गिवन एरिया, ठीक है। अभी मैनुअल्स क्या होता है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। और मोनोग्राफ क्या होता है, वो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी टैक्सॉन। देखिए मैंने इधर सिंपली इधर पेन से लिखा हुआ है कि मैनुअल मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ उसका वो मिलेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़ मिलेगा। बट मोनोग्राफ में क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ सिर्फ, इधर तो हमें सिर्फ स्पीशीज़ का मिला था बट इधर स्पीशीज़ के अलावा हमें मोनोग्राफ में जीनस या फैमिली के भी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो हमें यही याद रखना है कि फ्लोरा क्या होती है, फ्लोरा इज़ कं फ्लोरा कंटेंस द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स इन अ गिवन एरिया। और मैनुअल में क्या रहता है, मैनुअल सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। और मोनोग्राफ सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है हमें किसी भी एक टेक्सॉन पे। और लास्टली हमें याद रखना है कि टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम इस पे एमसीक्यूज करते हैं, जिसे हमें फर्स्टली पढ़ा था कि उस पे हम एमसीक्यू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड ऑफ प्रेसिंग प्लांट्स टू फॉर्म हर्बेरियम शीट। फिगर इज द प्लांट पार्ट्स आर फोल्डेड, फिगर बी एज एवरी प्लांट पार्ट इज अनफोल्डेड, बोथ ए एंड बी एज फोल्डिंग और अनफोल्डिंग डज नॉट मैटर्स, डी नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको फर्स्टली हर्बेरियम में पेन से लिखवा दिया था कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इससे उसका आंसर बी होगा, फिगर बी, क्योंकि एवरी पार्ट अनफोल्डेड होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 18, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट। तो हमें ये सब के सब पॉइंट्स को हमें एक बार देख लेना है अच्छे से, फिर उस पर हमें आंसर निकालना है। फर्स्टली फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट, एवरी डिटेल रिगार्डिंग द प्लांट सच एज लोकेलिटी, इकोलॉजिकल कंडीशन एंड फ्लोरल कैरेक्टर शुड बी नोटेड। तो ये भी देखते हैं, ये भी करेक्ट लग रहा है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इन सबको हमें याद रखने के बाद हमें क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। तो हमें इसमें से गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें रखना है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, अनफोल्डिंग की जाती है, फोर्थ वाला देखना पड़ेगा, फिफ्थ वाला भी करेक्ट है, केयरफुली रखा जाता है, पेस्ट किया जाता है हर्बेरियम शीट्स पे, और लोअर राइट पे कॉर्नर पे स्पेसिमेंट डेट ऑफ कलेक्शन भी लिखा जाता है, ये भी राइट है। तो सिर्फ फोर्थ वाला हमें रॉन्ग लग रहा है, तो इसमें से ऑप्शन बी राइट होगा, ओनली फोर्थ वाला हमारा रॉन्ग है। 81, बोटानिकल गार्डन मेनली सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग। देखिए हम ए बी और जो डी है वो भी थोड़ा बहुत दिया जाता है, बट हमें मेनली एग्जीटो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म के लिए हम ये रखते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम इसमें मैच द कॉलम, रॉयल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, रॉयल बोटैनिकल गार्डन है हमारा इंग्लैंड में, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं। अभी इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे, ये हमारा इंडियन बोटैनिकल गार्डन है हावड़ा में, और नेशनल बोटैनिकल गार्डन है हमारा लखनऊ में, और लास्टली दार्जिलिंग वाला, तो ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। 83 और 84, 83, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ बोटैनिकल गार्डन एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो हमें इनकरेक्ट वाले ढूंढने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा करेक्ट है, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स इन लोकल फ्लोरा, ये भी राइट है, और लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क, ये भी राइट है, दिस प्लांट हेल्प इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट, ये भी राइट है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, नन ऑफ दिस, सब के सब पॉइंट हमारे राइट है।
अब हमारा आर्बोरेटियम, आर्बोरेटम तो ये मेनली किसके लिए, कौन सा बोटानिकल गार्डन होता है? मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्बोरेटम में हम प्लांट्स, बड़ी ट्रीज़ को ही करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 85th, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम, और फिर इसमें से हमें नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है वो हमें देखना है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। फर्स्ट वाला तो राइट है कि बायोलॉजिकल म्यूजियम इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है, और म्यूजियम में कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट होता है, स्पेसिमेन ऑफ प्रिजर्व इन जार, राइट है, इंसेक्ट वाला भी राइट है, इनको स्टफ करके रखते, ये भी राइट है, तो ये बचा पॉइंट ही रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 86th भी मैस्ट कॉलम है, बोटानिकल गार्डन होता है लिविंग प्लांट्स के लिए, और जूलॉजिकल पार्क होता है लिविंग वाइल्ड एनिमल के लिए, म्यूजियम होता है प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल के लिए, और हर्बेरियम होता है प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन के लिए। तो ये सब के लिए हमें कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है? तो ये ऑप्शन बी है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 87th, विच ऑफ द फॉलोइंग सब द क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, हर्बेरियम, ये तो पूरी लाइन थी एनसीईआरटी की। स्टेटमेंट 1, 88th एमसीक्यू, जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, विच एनिमल हैज टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, रेगुलर चेकअप, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेड द हेल्थ केयर एंड अनकीप ऑफ द एनिमल। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जैसे मैंने आपको बोला था इस पर भी एमसीक्यू बनता है, तो इसमें हमारा, हमें पता है कि दिल्ली में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। की इज़ अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड लीड, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर इज यूज ऑफ, क्या होगा? टेक्सोनॉमिक कीज। 92, अ कपलेट इन अ की इज, अ कपलेट इन अ की इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर, मैंने आपको फर्स्टली बताया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर इज कॉल्ड कपलेट, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए इसमें कुछ एमसीक्यूज कंसेप्चुअल है और कुछ कुछ हमें ऐसी चीज़ें जो हमें याद रहनी चाहिए। 93-, इज अ टेक्सोनॉमिकल एड विच कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन स्पेसिमेन एरिया, ऑल्सो प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो ऑप्शन ए फ्लोरा। फ्लोरा ही एक ऐसा टेक्सोनॉमिक एड है जिनसे हमें एक एरिया के इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया होता है पता। और द प्लांट्स, 94th वाले पे, द प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया सराउंडेड बाय जोग्राफिकल और पोलिटिकल बाउंड्री, तो इसका भी आंसर फ्लोरा ही होगा। 95th में हमें देखा जा रहा है कि विच टेक्सोनॉमिकल एड्स गिव्स कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ जीनस और फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो मोनोग्राफी ऐसी चीज़ है जो जीनस और फैमिली का एक पर्टिकुलर टाइम दे सकता है, क्योंकि हमें पता है कि यही एक है जो ऐसा कर सकता है। देखिए हम देखेंगे मोनोग्राफ के लिए हमने एक पर्टिकुलर लाइन पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से मोनोग्राफी इसका आंसर होना चाहिए। और जैसे कि हमें पता है कि मोनोग्राफ जो है वो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन दे सकता है, तो फिर वो हमें जीनस और फैमिली पे भी दे सकता है। और 96th है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन, तो इसमें हमें करेक्ट वन को चूज़ करना है। देखिए इसमें फर्स्ट वाला तो ऑप्शन हमारा राइट है, फर्स्ट जो हमें दिया है वो करेक्ट है। द स्टोर हाउस फ्लोरा हमें पर्टिकुलर एरिया के लिए देता है, ये भी करेक्ट है। और मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर टैक्सोन, तो ये भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3।
97 फ्लोरल फीचर आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, बिकॉज कि हमें पता है एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स और उनकी सीड्स विद इन होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। हमें पता है कि 98 में इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी हम सबको पता है कि जो इकोलॉजी होती है वो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, तो फर्स्ट ए हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और हर्बेरियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स, तो फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा हर्बेरियम का फोर्थ हो जाएगा। और होलोटाइप, होलोटाइप क्या होता है, इट्स मतलब वो बहुत असेंशियल होता है, एक न्यू जब हम स्पीशीज ढूंढते हैं तो वो साइटेड की जाती है एक ऑथर से, तो वो बहुत असेंशियल होता है। और टेक्सोन एक हायरार्किकल यूनिट है, तो ये हमें देखने मतलब ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। डैश आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स आ गया और उस पर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया, तो फिर वो केवल और केवल मैनुअल ही कर सकता है। कैटलॉग, कैटलॉग इज अ डैश, देखिए कैटलॉग जो होता है वो एक लिस्ट होती है और रजिस्टर जिसमें उनके नाम्स होते हैं उस स्पीशीज़ के जो एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं, तो ये तो हमें ऑप्शन ए में ही देखने मिल रहा है, तो ये बाकी के ऑप्शन तो ऐसे ही हमें पता है रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है। देखिए तो आपको मैंने जितना भी MCQs बताए वो सब के सब इस पे बेस्ड है जो मैंने आपको इस में पढ़ाया है, जो भी लाइंस मैंने उठा के आपको MCQ करवाया, तो फिर इससे इसमें आपको तभी बेनिफिशियल होगा जब मैं आपको वो लाइन बता रहा हूँ और आपने वो लाइन कहाँ पे नोट कर लिया होगा, तो मार्क कर लिया और या तो आपने याद कर लिया होगा, तो आपने वो याद किया रहेगा तो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप MCQs कर पाओगे, तो आपके इसमें से मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और आपको कुछ सजेशन देना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और आपको अगर कोई न्यू वीडियो चाहिए रहेगी तो वो भी आप बता दीजिएगा कौन से टॉपिक पे, तो मैं वो बना दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।